सिडनी टेस्ट मैच के पांचवें दिन स्टीव स्मिथ पर ऋषभ पंत के क्रीज पर लगाए गए निशान से छेड़छाड़ करने का आरोप लगा था। एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था जिसमें स्मिथ पंत की बैटिंग गार्ड के निशान से छेड़छाड़ करते दिखाई दे रहे थे। हालांकि इस आरोप पर स्मिथ ने हैरानी जताई थी और कहा था कि वो कुछ चीजों को समझने और अभ्यास के लिए ऐसा कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के हेड कोच और कप्तान टिम पेन ने भी इस बात को लेकर स्मिथ का बचाव भी किया था। इस बीच अब इस मामले को लेकर क्रिकेट के दो दिग्गज खिलाड़ी माइकल वॉन और माइकल बॉ ट्विटर पर एक दूसरे से भिड़ गए। वहीं स्टीव स्मिथ ने इस विवाद के होने के बाद सफाई देते हुए कहा था कि मैं इस तरह की प्रतिक्रिया से साफ हैरान और निराश हूं। स्मिथ ने कहा था कि वो वहां से कुछ चीजों को समझने और अभ्यास के लिए ऐसा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं अक्सर मैचों में ऐसा करता हूं ताकि मैं ये समझ सकूं कि हम कहां गेंदबाजी कर रहे हैं और बल्लेबाजी उसका सामना कैसे कर रहे हैं। मुझे वहां निशाना बनाने की आदत है। क्रिच के निशान को पैर से खरोचने के वीडियो के वायरल होने के बाद स्टीव स्मिथ को फैंस और भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग की आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। LDNEWS रूम की रिपोर्ट।